ये सर्जरी मैं इसलिए करा रहा हूँ कि एक्चुअली मेरा जेनेटिक है जो बाल्डनेस है, जो हेयर लाइन की प्रॉब्लम है, वो एज के साथ थोड़ा कम हो जाएगी और मेरे को आगे प्रॉब्लम ना हो और कभी इन फ्यूचर मेरे को जब ज़्यादा कराना पड़े, अभी बेटर है कि मैं अभी ट्रीटमेंट ले लूँ तो वो ज़्यादा बेस्ट है, रादर देन कि मेरे को कभी कोई बोले कि यार तुम्हारे तो बुरे बाल चले गए, तुम्हारे कुछ भी हो गया उसके बाद तुम ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो ये ज़्यादा बेस्ट है। तो डिवाइन के लिए डिवाइन सर्जरी सेंटर मैंने इसलिए चूज़ किया बिकॉज मैंने डॉक्टर अमित की बहुत वीडियोस देखी, उनका वे ऑफ टॉकिंग और जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो बताते हैं कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कॉन्फिडेंस के साथ, कि मैं ये गारंटी लेता हूँ कि मेरे यहाँ से क्लाइंट कोई वापस डिसएग्री और या डिसरिगार्ड लेके नहीं जाएगा, या फिर कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, और इवन जैसे मेरा छोटा प्रॉब्लम है तो एश्योर करते हैं वो, अपनी अपनी यूट्यूब की वीडियोस में भी उन्होंने एश्योर कर रखा है कि मैं अपना 100% दूंगा, और अगर इन फ्यूचर अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट टचअप करके दूंगा बंदे को, अगर कुछ भी हेयर प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ भी इशू आती है, तो उन्होंने वो पहले ही डिस्कस कर रखा है, इसलिए मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस लगा उनसे, और वो देखते ही बता देते हैं कि बंदे को क्या ट्रीटमेंट चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो आई थिंक एज ऑफ नाउ ही इज आई मीन द वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर, आई थिंक दैट्स व्हाई आई एम हियर। सबसे पहले सेंटर चूज करने के लिए आपको डॉक्टर की क्वालिफिकेशन देखनी होगी, आप अपना डॉक्टर हमेशा चूज अपना एक्यूरेट करना, चाहे कुछ भी हो डॉक्टर आपके पास प्लास्टिक सर्जन ही होना चाहिए, और प्लस वो एश्योरिटी ले, प्लस अपनी डिग्री वगैरह वो ओपनली शेयर करता हो, और अगर आपको इन फ्यूचर आपको भी कोई ट्रीटमेंट लेना है तो मेरे हिसाब से पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, ठीक है, आफ्टर दैट यू कैन गो फॉर सर्जरी और जो भी ट्रीटमेंट आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, बट पहले आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप कंसल्ट करके टाइम लीजिए, अगर आपको पास पैसों का इशू है तो आप रुक के करिए, बट ये है कि आप डॉक्टर हमेशा चूज़ करिए रेट और एक बार विजिट करके करना, नहीं तो हमेशा कंफ्यूजन रहता है।